हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पे योर नॉलेज सेंटर। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल। तो एक टेस्ट नंबर 42 है, जिसमें हम वाक्य शुद्धि के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन के द्वारा बहुत सारे रिविजन करवाए जा रहे हैं नोट्स के साथ। इसके साथ ही घटना चक्र का सारे सब्जेक्ट का हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी भी करवाया गया है। और UPPCS RO टेस्ट सब कुछ, GS का टेस्ट, JIS का टेस्ट सब कुछ करवाया गया है। तो आप हमारे चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट बना हुआ है, सब टेस्ट को देखिए, रिविजन करिए और एनवायरमेंट भी करिए। और यूपी कांस्टेबल या UPPCS पुलिस का सब कुछ करवाया जा रहा है टेस्ट, तो सबको एंजॉय करिए। अब हम करेंगे वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। 100 क्वेश्चन है। किसकी वर्तनी मतलब शुद्ध है? मानवीकरण का, शारीरिक का, प्रदर्शनी का, रचयिता का। रचयिता शुद्ध है। प्रदर्शनी होता है, प्रदर्शनी होता है। शारीरिक का शारीरिक होता है। और मानवीकरण का मानवीकरण होता है। शुद्ध वर्तनी है वाल्मीकि की, वाल्मीकि, तो यहाँ पर वाल्मीकि ये शुद्ध है। और शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान कीजिए। तो मंत्रीवर बड़ी बड़ी शुद्ध है। मंत्रीवर ऐसे लिखा जाएगा, छोटा एक मात्रा। भाग्यवान में ऐसे लिखा जाएगा, भाग्यमान लिखा है। निष्पद में निष्पक्ष होता है। नीचे दिए गए वाक्य में से एक वाक्य शुद्ध है, पहचान कीजिए कौन सा है। तो उसे बहुत दुख है कि शुद्ध है। और तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, तो तुम्हारे से नहीं होगा, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, ये होगा। और आंख में क्या पड़ गया है, तो उसे बहुत दुख हुआ है। आंख में कौन पड़ गया, नहीं क्या पड़ गया होगा। तुम्हारे घर चले जाओ तो होगा, तुम अपने घर चले जाओ। एक वाक्य शुद्ध है, इसमें है प्रेम करना, तलवार की धार पर चलना है, ये शुद्ध है। इस शहर के सभी दर्शनीय स्थान अच्छे हैं, तो इसमें होगा इस विषय का प्रतिनिधित्व होगा। इस शहर के सभी दर्शनीय स्थल अच्छे हैं, स्थान नहीं। और इस विषय की पूर्ति कठिन है, इसमें होगा इस विषय का प्रतिपादन कठिन है। उन्होंने बीसियों लेखकों का निर्माण किया, तो उन्होंने बीसियों लेखकों को तैयार किया होगा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। व्यवहारिक, अधीन, अध्यात्म, दुर्वस्था। तो अधीन जो है वो है शुद्ध है। व्यवहारिक में व्यवहारिक होगा, अधीन का अधीन होगा। शुद्ध वर्तनी सॉरी ये गलत है, अधीन होता है। दुर्वस्था ये सही है। अध्यात्म का अध्यात्म होगा। दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य की चयन कीजिए। तो शुद्ध है, साधु माला फेर रहा है, दूध लीटर की माप से बिकता है, मकड़ी चाल बुन रही है। तो डी सही है, मैंने वहां जाकर बड़ी अशुद्धि की। तो अशुद्ध वाक्य है, मैंने वहां जाकर बड़ी भूल की, अशुद्धि नहीं की। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है अभ्यर्थी साप्ताहिक आलोचना। तो अभ्यर्थी सही है, साप्ताहिक होता है साप्ताहिक, और आलोचना का आलोचना होता है, आगामी का आगामी होता है। शुद्ध वर्तनी के लिए समुचित विकल्प कीजिए, देखिए तो वह होगा प्रदर्शनी शुद्ध है। तो प्रदर्शनी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए कौन सा है। इस गीत की 2-4 कड़ियां सुना दो, ये है शुद्ध वाक्य। गोलियों की बौछार के सामने कोई न टिक सका, और यह विषय अत्यंत कठिन है। भारत एक शक्तिशाली देश है, तो यहाँ पर शक्तिशील लिखा है, गलत लिखा है। और कठोर कठिन होगा यहाँ पे, बाकी देख सकते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो शुद्ध वर्तनी वाला है आशीर्वाद। तो प्रौढ़ का प्रौढ़ा होता है, परिलक्षित को ऐसे लिखते हैं, और कवित्री को तो कवयित्री लिखते हैं। दिए गए शब्द की शुद्ध वर्तनी के लिए 4 विकल्प दिए गए, उनमें समुचित विकल्प सुनिए। तो वह हो जाएगा सामग्री। तो सामग्री शुद्ध वर्तनी होगी, सामग्री। और निम्न विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों को बताइए। ज्योतिर्मय, पृथक। पृथक जो है शुद्ध है। और पृथक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ज्योतिर्मय है, ज्योतिर्मय। और कनिष्ठ का कनिष्ठ है, संवर्धन का संवर्धन है। शुद्ध वाक्य पहचानी। तो प्रत्येक श्रमिकों को 2 रुपए मिले हैं, ये शुद्ध है। भारत में कई प्रादेशिक भाषाएं हैं, तो इसमें जो है शुद्ध है। तो भारत में कई प्रादेशिक तो प्रादेशिक लिखा है, प्रादेशिक होता है। और ये दूसरा है, एक लड़का पेड़ की छाया में बैठा है, तो एक लड़का पेड़ की परछाई, ये गलत लिखा है। और ये एक पर्याय अनल है, तो अनिल है, अनिल होगा यहाँ पे। और अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। इसमें अशुद्ध वाक्य है, वह आगामी वर्ष नैनीताल गया था, जिसमें आगामी नहीं गत वर्ष होगा।
पिछले साल नैनीताल गया था। निम्नलिखित में से शुद्ध हवा की पहचान कीजिए कौन सा है। तो इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, तो इसमें शुद्ध हवा है। तो गुलाब एक माला खरीद लेना। उपर्युक्त वाक्य संज्ञान, तो उपर्युक्त उपर्युक्त होगा ना कि उपर्युक्त होगा। और माला, गुलाब की एक माला खरीद लेना। गुलाब की माला शुद्ध है? नहीं, एक गुलाब की नहीं, गुलाब की एक माला होगा। बाकी उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, घर के पास मिठाई की दुकान है, एक दुकान है, ऐसे लिखा है। एक वाक्य शुद्ध है वह है, उसकी शंका का समाधान हो गया, ये शुद्ध है, बाकी शुद्ध नहीं है। तो शुद्ध होंगे उनके प्राण पखेरु उड़ गए, या गन्ने का ताजा ताजा इस बिकता है, गन्ने का ताजा, और मैं सारी रात जागता रहा। किस वाक्य में विशेषण संबंधी है शुद्धि है? तो बी में है, भक्ति युग का काल स्वर्ण युग माना जाता है। तो विशेष संबंधी शुद्धि शुद्ध का रूप होगा, भक्ति काल स्वर्ण युग माना जाता है। और निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं, तो वह है राजमहल। राजमहल अशुद्ध है और इसको लिखते हैं राजमहल। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है धोबिन। धोबिन शुद्ध वर्तनी का है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए, तो इसमें हो जाएगा यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, तो ये सही है। इस कविता का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, तो इसमें हो जाएगा इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। तो अगर उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, तो उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। वह अनेकों मामलों में गवाह था, अनेक मामलों में वह गवाह था, हो जाएगा। तो भैया वीडियो तो रुक गया था, मैंने कंप्लीट करवा दिया। चलिए फिर से बता देते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए, तो इसमें है इस गीत की दो चार कड़ियां सुना दो, तो ये सही है। और जो गलतियां हैं यहाँ पर दी गई, कठिन शक्तिशाली बौछार, इन सब में। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो आशीर्वाद शुद्ध है। प्रौढ़ का प्रौढ़ा है, परिलक्षित परिलक्षित, कवित्री का कवित्री है। दिए गए शब्द के शुद्ध वर्तनी के लिए चार विकल्प दिए गए, उनमें समुचित विकल्प है सामग्री। तो सामग्री शुद्ध वर्तनी होगा, सामग्री का। निम्न विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को बताए, तो वह है पृथक। और पृथक शब्द का होगा ज्योतिर्मय का ज्योतिर्मय से, कनिष्ठ का कनिष्ठ होगा, संवर्धन का संवर्धन होगा। शुद्ध वर्तनी को पहचाने, तो इसमें होगा प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले, ये शुद्ध होगा। बाकी जो गलतियां हैं यहाँ पर दिया गया है। और शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए, तो इस पुस्तक में 10 अध्याय है, मेरे लिए एक गिलास दूध लाओ। तो ये इसमें जो अशुद्ध है वह आगामी वर्ष नैनीताल गया, तो उसे गत वर्ष होगा ना कि आगामी होगा। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए, तो इसमें शुद्ध है वह कार्य, इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, यह शुद्ध है। बाकी इसमें त्रुटियां क्या है? गुलाब की एक माला खरीदा, तो वो एक गुलाब की माला नहीं होगा, गुलाब की एक माला हो। किसकी माला? एक गुलाब की, तो एक पहले उसके लगेगा। तो वाक्य उपर्युक्त वाक्य का संज्ञान ले, तो जो अशुद्धियां देख सकते हैं। एक शब्द वाक्य शुद्ध है, इसमें होगा उसकी शंका का समाधान हो गया। ये उसके प्राण पकड़ उड़ गए, या गन्ने का ताजा बिकता है, मैं सारी रात जागता रहे, सब शुद्ध है। इस वाक्य में विशेषण संबंधी शुद्धि है, तो भक्ति युग का काल स्वर्ण युग माना जाता है, इसमें विशेषण संबंधी है, क्योंकि भक्ति काल स्वर्ण युग माना जाता है, विशेष संबंधी शुद्धियां हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो वह है राजमहल, क्योंकि इसको राजमहल जैसे लिखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है धोबिन। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य पहचाने, तो एक कविता अनेक भाव प्रकट करती है, शुद्ध है। और जो इसमें गलत लिखा गया हो देख सकते हैं, स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। ये गलत लिखा है जो देख सकते हैं, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, करना नया फालतू जोड़ा गया है। तो इसमें मुक्त हस्ते धन लुटाया, तो उसने मुक्त हस्ते धन लुटाया, बाकी देख सकते हैं। निम्नलिखित शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो इसमें शुद्ध है सूर्य के लिए पत्र लिखना, बाकी जो शुद्धियां यहाँ पर शुद्ध करके दिखाया गया है। तो महान व्यक्तियों के भौतिक वस्तुओं के प्रति पाई जाती है क्या? निर्लिप्तता। और निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है भास्कर। भास्कर अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, भास्कर को लिखते हैं ऐसे। और एक की वर्तनी शुद्ध है वह है उन्नयन। उन्नयन की शुद्ध है। पौराणिक ऐसे लिखा जाता है, नौकर को नौकरी को नौकरी, अत्यंचरी देख सकते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वह है ये आंखों से देखी घटना है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें भाषण सुनने के बाद मैं लौट आया, ये जो है शुद्ध है। मेरे प्राण संकट में है और पवित्रता है, मैं उसे मृत्युदंड मिला। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध पहचानी, तो मैं जाता हूँ, ये शुद्ध है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है मिथिलेश कुमारी। मिथिलेश कुमारी मिथिलेश कुमारी होगा। किस वर्तनी में हालन संबंधी शुद्धि है? तो अकस्मात में। तो दिवरात्रि दिवारात्र होगा, जिगजाल दिगजाल होगा, पारंगत पारंगत होगा। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह है अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, ठीक है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, एक गिलास पानी दीजिए, ये शुद्ध वाक्य है। तो जो जो गलतियां हैं यहाँ पर दी गई हैं। सुसंगत शब्द चयन में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है? तो समाज की इतनी दुर्गति पहले कभी नहीं देखी गई, ये सही है। और निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो पुरस्कार। तो पुरस्कार का पुरस्कार होता है,
निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ये है शांति में, सही है। बाकी विश्लेषण ऐसे लिखा जाएगा, व्यवहारिक स्वावलंबन ऐसे। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है, तो प्रयुक्त की जो है शुद्ध नहीं है, उपर्युक्त ऐसे लिखा जाता है। प्रयुक्त शुद्ध है, बाकी से उपरोक्त सही नहीं है। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है, तो प्रतिनिधि ऐसे लिखा जाता है। और निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो उपर्युक्त रचना प्रासंगिक है, इस तरह से लिखा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो वह अभी शिशु अवस्था में है, ये सिद्ध है। और नेक्स्ट है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है, तुम प्रेम करना तलवार की धार चलना है, और समस्या का औसत उसके पास है, तो इसका होगा इस समस्या का समाधान उसके पास है, और मेरे शब्दों का ध्यान नहीं देते हैं, तो वह मेरी बात पर ध्यान नहीं देते होगा। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, तो वह मुझसे काम संभव नहीं है, ये शुद्ध है। जो शुद्धियां यहाँ पर देख सकते हैं, शुद्ध करके दिखाया गया है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानिए, पुलिस द्वारा डाकुओं को पीछा किया गया है, शुद्ध है। एक एक करके नहीं होगा, एक और प्रत्येक, एक एक प्रत्येक दोनों एक ही बात हुई, तो एक ही सब चीज यूज करेंगे। एक एक छात्र से अच्छा से निकाले गए, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, ये सही है। कौन सा वाक्य शुद्ध है, दही खट्टा, ये शुद्ध है। एक वर्तनी ही शुद्ध है, तो वह अविष्कार, ये शुद्ध है। देवर्षि ऐसे लिखा जाएगा, निषिद्ध ऐसे, जमाता ऐसे। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो बिरहड़ी ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ पर शुद्ध वाक्य पहचानिए, तो यहाँ पर उपर्युक्त वाक्य सही है, मतलब ये जो है शुद्ध ये लिखा गया है, बाकी देख सकते हैं। तो डी शुद्ध है, विशेष सभी त्रुटिपूर्ण हैं, वे चुप हो गए, ये है। सूरदास ने अनेकों पदों की रचना की है, यह है पतिव्रता है, वह प्रतिव्रता है। अशुद्ध वाक्य, मेरे पीछे तुम्हारा नंबर है, तो इसका होगा मेरे बाद तुम्हारा नंबर है, शुद्ध वाक्य। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है घनिष्ठ, घनिष्ठ नहीं होगा, घनिष्ठ लिखा है, इसका होगा घनिष्ठ। और एक ही वर्तनी अशुद्ध है, वह शांत में। और वर्तनी की दृष्टि शुद्ध वाक्य है भागीरथी, और है ये है टिप्पणी ऐसे लिखा जाए, कुमुदनी ऐसे, क्लेश ऐसे। वर्तनी की दृष्टि शुद्ध शब्द है, तो प्रामाणिक ऐसे लिखा जाएगा। आशीर्वाद देख सकते हैं, शुद्ध रूप, और महाराज का शुद्ध रूप, और पजामा का सही रूप। वर्तनी की दृष्टि शुद्ध वाक्य शब्द की पहचान कीजिए, तो है पुरवाई, पुरवाई सही है। आक्रमण को आक्रमण, हत्याएं हत्याएं, दवाई दवाई। वर्तनी की दृष्टि शब्द अतः पातन सही है। अनभिज्ञ का अनभिज्ञ होगा, अमावस्या का अमावस्या, सरमुद का अमरुद होगा। अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए, तो नेताजी की मृत्यु शोकजनक है, तो ये दुखद है यहाँ पर होगा। शुद्ध वाक्य पहचानिए, तो इसमें शुद्ध है, धुएं का रंग काला है, तो इसमें शुद्ध यही है। बाकी वह पेड़ से नीचे गिर गया, पेड़ पर नीचे गिर गया, नहीं पेड़ से नीचे गिर गया, वह दौड़ा रहा था, ठीक है, इससे शुद्ध वर्तनी है। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य है, तो सूरदास जी ने अनेक पदों की रचना की है, शुद्ध है। वे उन्होंने मुस्कुरा दिया, तो वे मुस्कुरा दिए, ऐसा होगा। और शराब पीना विष से हानिकारक है, शराब पीना विष से भयंकर है, तो हानिकारक होगा। जीवन और विज्ञान का घनिष्ठ संबंध है। 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो घड़ी में कितने बजे, ये शुद्ध है। बाकी अशुद्धियां जो है देख लीजिए। निम्नलिखित में से वाक्य विकल्पों में शुद्ध वाक्य चयन कीजिए, वह दंडनीय, वह दंड भोगने योग्य, तो इसमें वह दंड देने के योग्य है, ये शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो शुद्ध वर्तनी होगा गुड़ीगढ़, ये शुद्ध वर्तनी है। गुड़ीगढ़ की शुद्ध वर्तन शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है। प्रथा को प्रथा लिखते हैं, स्थायित्व का स्थायित्व, अत्यधिक को अत्यधिक। अशुद्ध वर्तनी का है कालिदास, ये अशुद्ध है कालिदास, इस प्रकार लिखा जाएगा। निम्नलिखित में से एक शब्द शुद्ध है, वह पेड़ से पत्ता गिरा है, शुद्ध है। रो ये कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था, ये सब अशुद्धियां है, इसमें सही है। वह समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। निम्नलिखित से एक वाक्य अशुद्ध है, तो उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं, राम गाते गाते सरोवर तक गया, वह पराया मेरे पास आता था, इसमें अशुद्ध है। आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, इसका होगा प्रत्येक वर्गों का प्रयोग गलत है, यहाँ पर होगा प्रत्येक वर्ग होना चाहिए, वर्गो नहीं वर्ग होगा। नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है, तो द्वारका की शुद्ध है, बाकी अंतर्धान अहिल्या इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह जागृत, जागृत को जागृति लिखा जाता है। अशुद्ध वर्तनी है, यह है कुमुदिनी की, कुमुदिनी इस प्रकार लिखा जाता है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो प्रकांतर इस तरह होता है, पारिस्थिति इस तरह होगा, शारीरिक इस तरह, नाराज इस तरह। तानसेन महान संगीतज्ञ था, रेखांकित शब्द शुद्ध वर्तनी है किसका, संगीतज्ञ का। कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसमें उसने रहस्य प्रकट कर दिया है, शुद्ध है। और अशुद्ध वाक्य पहचाने, तो वह सकुशल सहित अपने घर में पहुंच गया। कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो आपकी अवस्था क्या है, ये शुद्ध है। राम ने सीता से कहा, मैंने भगवान के दर्शन किए, भगत सिंह गुदगी के लाल थे। इनमें से एक वाक्य अशुद्ध पहचानी, तो कोयल का कंठ सबसे मधुरतम है, ये शुद्ध है। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो त्रिकाल की, त्रिकाल की शुद्ध है, त्रिकाल इस प्रकार लिखा जाता है। निम्नलिखित में से एक की वर्तनी शुद्ध है, वह है शताब्दी।
और बाकी वाहनी को वाहिनी लिखते हैं, इसका गृहित को गृहित लिखते हैं, प्रथा को प्रथा लिखते हैं। कौन सा एक युग्म वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो वह है ऋतु, मनोज। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष, विराजमान का विराजमान, और विधेय का विधेय, मंगल का मालिन, निरस्ता का निरस्ता। निम्नलिखित वाक्य में से एक अशुद्ध है, तो काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र है। यह शुद्ध है, काशी सदैव से भारतीय संस्कृत का संस्कृति का केंद्र रहा, यह शुद्ध होगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है तो यज्ञवल्क्य है। और निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, संग्रहित इस प्रकार लिखा जाएगा, बाकी सब अशुद्ध है। द्वारिका और ये सब है, तो संग्रहित द्वारका लिखा जाता है, द्वारिका नहीं। और निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का शब्द है शुद्ध कारक, और अशुद्ध का शुद्ध होगा, मतांतर का मतांतर, और कृत कृत्य का कृत कृत्य होगा, अष्टवक्र का अष्टवक्र होगा। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह है प्रत्येक वस्तु ठिकाने पर रख दो। तो बाकी जो शुद्धियां देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो विदुषी शुद्ध है। ज्योत्सना एक शुद्ध वर्तनी है, ज्योत्सना इस प्रकार लिखा जाता है। यहाँ पर मिलान करना है व्याप्ति का, व्याप्त होगा अंताक्षरी अंत्याक्षरी, उद्ग्रीव का उद्ग्रीव, और बर्तन का बर्तन। तो डी सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध शुद्ध वर्तनी वाले शब्द युग्म में गलत है, तो नवाब का नवाब नवाब, ये गलत है, इसका नवाब होगा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो वह है निश्चेष्ट। समुज्ज्वल का समुज्ज्वल होगा, अनुवादित का अनुदित होगा, इसड़ा का इसड़ा होगा, निश्चेष्ट का निश्चेष्ट होगा। कौन सी का वर्तनी शुद्ध है? तो उच्चरण, ये सही है। कैलाश का कैलाश होगा, यथेष्ट का यथेष्ट होगा, महात्मा का महात्मा होगा, उत्कृंखल का उत्कृंखल होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रही है, शुद्ध है। और निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है शुश्रूषा, और कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो वह है उज्ज्वल। इस तरह से कौन सा वाक्य वाक्य शुद्ध है? तो इसमें आज मैं, तो अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला, शुद्ध है। निम्नलिखित में कौन सा एक अशुद्ध है? तो वह अपनी प्रतिद्वंदी से हार गया, तो इसमें प्रतिद्वंदी गलत लिखा है। इनमें से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है? तो वह यह हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, यह अशुद्ध है। तो इसमें होगा, चूंकि हर एक खिलाड़ी नहीं होगा तो गए होगा, गए की जगह पर गया होगा। इनमें से शुद्ध वाक्य है इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषार पात हुआ। नीचे दिए गए वाक्य में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है? तो मेरे घर के पास पान की दुकान है, त्रुटिहीन है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया, सही है, बाकी सब शुद्ध है। कौन सी एक एक की वर्तनी शुद्ध है? तो देवर्षि की। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी की दृष्टि गलत है? तो आंख, क्योंकि इसमें चंद्रबिंदी होगा। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो निश्चेष्ट है। और कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? तो वह गांधी जी चरखा चलाते थे। शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों को चुनिए, तो उसमें होगा अंतःप्रांतीय, सोचनीय, उच्चारणीय, तकनीशियन। तो सभी के सभी सही है। ये खत्म होता है यहाँ पे। कैसा लगा वीडियो, बताइए जरूर। पसंद आता है लाइक सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद।